বহরমপুরে বিএসএফের হেডকোয়ার্টার রোশনবাগে উদযাপিত হল স্বাধীনতা দিবস। উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি বিএসএফ সেক্টর বহরমপুর একে সিনহা। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের পর বাইক এবং সাইকেল র্যালি বের হয়। একাধিক জায়গা পরিক্রমা করে সে সাইকেল র্যালি। অনুষ্ঠান শেষে ডিআইজি বিএসএফ বহরমপুর সেক্টর জানান, দেশবাসীকে শান্তির বার্তা দিতে এবং ঘর ঘর তিরঙ্গায়ের বার্তা দিতে এই আয়োজন করা হয়েছে। ये प्रोग्राम साइकिल रैली का आयोजन किया है। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के साथ साइकिल रैली, जिससे कि लोगों को तिरंगा का महत्व मालूम हो, तिरंगा को देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और एकता का एक संदेश जाए कि लोग एकत्रित होकर एकता के साथ समाज में बिना किसी भेदभाव के रह सकें और समाज के विकास में और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये 300 से 350 लोग हैं। ये पूरे मुर्शिदाबाद रोशनबाग का ये चक्कर लगाएंगे, वापसी यहाँ आएंगे, फिर क्लोजिंग एड्रेस होगा, लोगों को फिर संबोधित करेंगे। क्या मैसेज दिया है? मैसेज एकता का संदेश और तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कि तिरंगा को देखकर लोगों में एकजुटता है, सारा अपना भेदभाव भुला करके एक कमिटी के रूप में, एक टीम के रूप में काम करें, जिससे समाज का विकास हो और देश का भी विकास हो। एकता में को जागरूकता लाने के लिए और देश को तिरंगा से जोड़ने के लिए, तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कि आज़ादी मिली है और तिरंगा के कारण ही मिली है, तो हम आगे आने वाले दिनों में भी इस आज़ादी को बरकरार रखें और एकजुटता बनाए रखें।